अब लेट अस टॉक अबाउट द हैलाइट्स। अब इनके इन ग्रुप के कोई भी वी कैन से एलिमेंट, इसको अगर आप हैलोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कैसी मिलेंगी? यू विल गेट हैलाइट्स लाइक दिस, है ना? ऑब्वियसली क्योंकि इनका थ्री पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ऐसे हैलाइट्स आपको मिल जाएंगे। अब इन हैलाइट्स की क्या खासियत है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो देखो। जैसे कि आपके पास बोरोन की फ्लोराइड है, बोरोन की क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, बोरोन की आयोडाइड है, ठीक है? कैन एनीवन टेल मी क्या वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगी? यस बेटे, यू विल बैलेंस द इक्वेशन अकॉर्डिंगली। ये मैंने बैलेंस नहीं करी। अब यहाँ पे रिएक्शंस नहीं आते इस चैप्टर में से, रिएक्शंस वाला पोर्शन सारा डिडक्ट हो गया। हाँ जी बोलो। कैन एनीवन टेल मी क्या ये लुईस एसिड बिहेव कर सकती हैं? यस हाँ जी। एनीवन कैन दे बिहेव एज अ लुईस एसिड? स्टूडेंट्स आर कमिंग। What are Lewis acids? No? Why no? What are Lewis acids? Hurry up. What are Lewis acid, बेटे? Which can donate electron? ऐसे donate करते हैं electron? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं क्या? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं? अरे बहुत है, लुईस एसिड नहीं पता बेटे। लुईस एसिड सो आपने क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल्स में लुईस एसिड होते हैं। अभी चैप्टर खत्म किया है। विच डोनेट एच प्लस? एच प्लस बेटे, एच प्लस तो आ रही नहीं है, इस कंसेप्ट है। डोनेट लुईस एसिड डोनेट करते हैं। अच्छा अमोनिया क्या है, लुईस बेस है या लुईस एसिड है? हाँ जी वितेश, आई हैव रेड योर आंसर, योर आंसर इज वेरी मच करेक्ट। जिनका गलत आ रहा है उनको मैं बोल रही थी। अमोनिया क्या है बेटे? इट इज अ लुईस बेस और अ लुईस एसिड। जल्दी बोलो, अमोनिया क्या है, एक लुईस बेस है या एसिड है? तो लुईस बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? हाँ लुईस बेस है, हाँ तो ये डोनेट करेगा। तो बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब BF3 है क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटे? तो ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? तो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर एग्जांपल फॉर फ्रॉम अमोनिया। तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये लुईस एसिड नहीं एक्ट कर रहे? ये लुईस एसिड नहीं एक्ट कर रहे? हाँ तो लुईस एसिड एक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास BF3 है, BCl3 है, इस पे से क्वेश्चन आएगा पक्का, BBr3 और Bi3, ऐसे जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होना चाहिए? हाँ जी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होना चाहिए? जल्दी, नो आंसर इज कमिंग। देखो बेटे, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करे उसे स्ट्रॉन्ग बोलोगे,
अब आपको क्या लगता है, BF3 जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है या BI3? एसिडिटी इंक्रीज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? BI3, आई तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन बोरोन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बोरोन नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं खींचेगी? अच्छा, जिसने BI3 लिखा है, दैट इज जतिन, क्यों बेटे BI3 क्यों है? यस बेटे दे, हाँ जी, BI3 क्यों है बेटे? ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का होना चाहिए कि डाउन डाउन इस तरफ जाओगे, मींस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अरेंज द ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, या आपको लिखा आएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए ऐसी, मगर द एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो ये है। नो, अब ऑर्डर उल्टा, ठीक है? अब ऐसे क्यों होनी चाहिए बेटे? देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन बोरोन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बोरोन जैसे अमोनिया जैसा लुईस बेस आए तो उसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बोरोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेने, आगे BCl3, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हेलोजन में। तो इसका मतलब जो ज्यादा बोरोन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरोन बेस से खींचेगा, तो इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? अब ये भी देखते हैं, देखो ये बोरोन का एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ठीक है, और ये तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 डिग्री जो है इसका एंगल है ना। अब फ्लोरीन के पास यहाँ पे पड़े हैं जी लोन पेयर, और वो जो लोन पेयर हैं वो भी पड़े हैं पी के अंदर, और तो कहीं पड़े नहीं। फ्लोरीन का भी 2p है, बोरोन का भी 2p है। अब फ्लोरीन है बेटे, इसको बैक बॉन्डिंग करके इसकी MTD में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है, ऐसे क्लोरीन, ऐसे ही ब्रोमीन, ऐसे ही आयोडीन। अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकती है, क्यों? क्योंकि तो फ्लोरीन का भी 2p है और बोरोन का भी 2p है, तो 2p 2p ओवरलैप हो सकता है। फिर उसके बाद बोरोन का तो 2p रह गया, ये 3p हो गया, ये 4p हो गया, ये 5p हो गया, तो ये इतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज चेंज हो गया, ठीक है? इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे हिसाब से लुईस एसिड होना चाहिए था, जो BF3 होना चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ना होके कौन बन जाता है? BI3, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग के कारण इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इसको बाहर से ही रिसीव करना पड़ेगा। फॉर द पॉइंट, हाँ जी, यस एवरीवन, ठीक है बेटे? ऑर्डर आपका सबसे पहले BF3 ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच ले बोरोन से, जब बोरोन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरोन किसी और से लेगी, मगर बोरोन को उसका जो साथी लगा हुआ है फ्लोरीन पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो ना ले किसी और से, मैं ही देती हूँ,
इसको वीक कर रही है, BCL3 ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग होती है चोरी से पीछे से कुछ पकड़ाना, बोरोन ने लेना था सामने से अमोनिया आ रही है उससे इलेक्ट्रॉन लेना था, पीछे से फ्लोरीन ने आके दे दिया तो उसको वीक कर दिया। वो कैसे दे दिया, वो कहती जी मेरे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वैलेंस शेल में, तेरी पी खाली है इसमें से धीरे से मैं देती हूँ और पाई बॉन्ड बना ली हो। इसको कहते हैं पी पाई बैक बॉन्ड, मतलब पी इसका पी और इसका पी ओवरलैप कर जाता है, इसे कहते हैं पी पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है ना बेटे, सिग्मा बॉन्ड तो एक बना हुआ है, ये जो सिंगल बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये जो पीछे से एक और बॉन्ड बना तो दो बॉन्ड बन गए ना, तो दूसरा कौन सा होता है पाई बॉन्डिंग। तो एक का पी दूसरे के पी के साथ ओवरलैप किया तो पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है। समझ आ गई? हाँ जी, ओके समृद्धि, यस और नो? ठीक है, तो अगर आप उसने पीछे से बेटे इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए तो जिससे उसको रिसीव करने हैं उससे वो रिसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो ये एक वीक लुईस एसिड होता जाएगा। फॉर द पॉइंट मैम, अब ऑर्डर ऑर्डर बेटा भी मैंने बताया ऑर्डर होना चाहिए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड फिर ट्राईक्लोराइड फिर ट्राईब्रोमाइड फिर ट्राई आयोडाइड, मगर ऑर्डर क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राई आयोडाइड हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ये वाला वीकेस्ट, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बेटे जो ये है, कभी आपने B2F6 नहीं सुनी, आप Al2Cl6 जरूर सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? कभी हमने B2Cl6 नहीं सुनी? आप B2H6 तो सुनेंगे, बोरोन की हाइड्राइड तो होती है, मगर इसकी हाइड्राइड नहीं सुनते हम, नहीं सुनते ना, क्योंकि जो बोरोन है ना बेटे उसका साइज होता है वो छोटा, तो बोरोन ना 6 क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर पाते, जो एल्युमिनियम है ना वो एकोमोडेट कर पाती है, और जो ये क्लोरीन है ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के डाइमर बना लेती है, सेम यही वही काम करती है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन इसमें कोऑर्डिनेट और एक सिंपल, तो ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम को प्रोवाइड करेगी और ये बन जाएगा सिंपल बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो देखो 1, 2, 3 एल्युमिनियम के बॉन्ड है और एक एल्युमिनियम को कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट, तो ये क्या बनता है बेटे डाइमर, तो ये क्या बनता है डाइमर, ठीक है, गॉट इट, ओके। इसके अलावा क्या बोरोन के पास, एक तो हमने ये कहा कि बोरोन का साइज छोटा है कि 4 फ्लोरीन को अकोमोडेट नहीं कर सकता क्लोरीन को, इसके अलावा क्या एल्युमिनियम की कोवलेंसी क्या 4 से ऊपर जा सकती है और बोरोन की भी जा सकती है 4 के ऊपर? यस, एनीवन? कोवलेंसी का मतलब होता है बेटे एट ए टाइम कितना कोई बॉन्ड बना सकता है, हाँ जी बोलो, बोरोन बेटे एट ए टाइम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, याद रखना इसकी कोवलेंसी क्या है 4। अब जो अभी हम शुरू कर रहे हैं ना जो ग्रुप्स, उसमें ये कोवलेंसी टर्म, जैसे नेक्स्ट जब क्लास आएगी तब आप ये भी करोगे नाइट्रोजन फैमिली, तब भी हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे वो चेंज कर सकती है, कोवलेंसी का मतलब होता है एट ए टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन करना,
जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ना बेटे पी ब्लॉक में, फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें 2s और 2p को मिला के सिर्फ चार ऑर्बिटल है, चार, ठीक है, चार। और एक्साइटेड स्टेट बनाए तो ये, ठीक है, तो तीन ये सिंगल बॉन्ड बना सकती है और एक, सिर्फ एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि बी ये बोरोन है, बोरोन का ये सीएल है, ये भी सीएल है, मान लो ये सीएल है और इसमें अमोनिया से ये टू इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है, तो टोटल ये फोर बॉन्ड बना सकती है। जो एल्युमिनियम जैसा है बेटे वो कोवलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 3s, 3p, 3d भी होता है। जो आगे आने वाले हैं बेटे वो सारे कोवलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि हमने 3s के बाद 3b भी सुना है, उसके बाद 3d भी सुना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कैसे आता है इसी हैलाइड में, कि बोरोन F6-3 नेगेटिव स्टेबल होगा या नहीं होगा, यस, और अगर एल्युमिनियम F6-3 नेगेटिव स्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैन एनीवन टेल मी, यस, हरी अप। देखो बेटे बोरोन कभी भी छह उसके अराउंड कभी भी एटम नहीं देखोगे क्योंकि बोरोन अपनी कोवलेंसी, क्योंकि इसके पास 2s और 2p ही है। अगर ये मान लो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, इसने तीन के साथ तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, फिर ये फोर्थ फ्लोरीन आई जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिफ्थ सिक्स्थ कहाँ जाएंगे, डी तो है ही नहीं, 2s है, 2p है, क्या 2d सुना है आपने। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये है, इसमें फ्लोरीन लग जाएगी, यहाँ पे आके भी फ्लोरीन लग जाएगी और यहाँ पे जो बाकी तीन फ्लोरीन बचेंगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बना सकती हैं। समझ रहे हो, तो जितने भी बेटे फर्स्ट एलिमेंट पी ब्लॉक का जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना उसकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसके आसपास 4 ही एटम या 4 ही ग्रुप्स होंगे, उसके ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर 4 से ज्यादा कभी भी कोई एटम लगा हो ना वो कंपाउंड अनस्टेबल ही होना है, वो बनना कहां से, समझ आ गई, यस और नो, हाँ जी, ओके, ठीक है। अब चलो ऑक्साइड्स की बात कर लें, अब ऑक्साइड्स हैं आपकी, ऑक्साइड्स में अगर आप इनकी एलिमेंट्स की ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑक्साइड ऑफ दिस काइंड, फॉर एग्जांपल यू विल गेट B2O3, then you will get Al2O3, then GeA2O3, then indium, then thallium। अब इनका मुझे बेसिक ऑर्डर बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या बेसिक नेचर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या आपने मुझे बताना है, हरी अब यस, yes।
इंक्रीज। बेटे ये टिपिकली नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, ये वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये तो होती बेटे, इसकी ऑक्साइड होती है एसिडिक है। एल्युमिनियम की ऑक्साइड आपको पता है इट इज द बेसिक इन नेचर, सॉरी एम्फोटेरिक इन नेचर। जब एसिड हो तो बेस की तरह बिहेव करेगी, जब बेस हो तो एसिड की तरह बिहेव करेगी। अब ये जो सारी बाकी ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती हैं बेटे, बेसिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स का, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर ऑक्सीजन के साथ इसको वाटर में डालोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आगे आपको हाइड्रोक्साइड से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो मैंने B2O3 वाटर में डाल दिया बेटे, तो आई विल गेट अ हाइड्रोक्साइड, इजंट इट। यहाँ से हाइड्रोक्साइड भी शुरू हो जाती है आपकी। अब आपको पता है कि बोरोन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ ज्यादा है। अगर इसकी ये चीजें ज्यादा है तो ये क्या है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो ये बॉन्ड जल्दी क्लीव नहीं कर रहा। बॉन्ड ये जल्दी क्लीव करेगा जब ये टूटने की टेंडेंसी होगी कि इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये आके निकले यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है बेटे, एसिडिक ऑक्साइड हो जाती है। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो किस तरफ चली जाती है, बेसिक की तरफ चली जाती है। ये तो सारी कैसे बिहेव करेंगी, जैसे एक ये वाली बिहेव करेगी एक एसिड की तरह, और ये वाली बाकी जो बिहेव करेंगी वो एक बेसिक की तरह, और इसको छोड़ के जो एक एम्फोटेरिक नेचर की है। व्हाट द पॉइंट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी हाइड्रोक्साइड को, आई एम हैविंग हाइड्रोक्साइड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास इसका सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि एल्युमिनियम की हाइड्रोक्साइड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तभी भी हमें सॉल्ट मिलता है, इजंट इट। क्योंकि ये इस टाइम एसिड की तरह बिहेव कर रही होती है और साथ में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो होना ही होना है आपका। ये एसिडिक नेचर शो कर रही है, ये एसिडिक नेचर शो कर रही है अपनी। इसके अलावा इसकी तो बेसिक नेचर भी है, तो ये बेसिक नेचर कैसे शो करती है, ऐसे शो करती है। और जो नीचे वाली है वो सारी की सारी क्या शो करेंगी, बेसिक नेचर शो करेंगी। ठीक है, ओके बेटे। तो आपने प्रॉपर्टीज में से सिर्फ इतना ही करना है क्योंकि बाकी सब कुछ रिलेटेड है इस ग्रुप में से। ना आपने हाइड्राइड के स्ट्रक्चर करने हैं, ना आपने ऑर्थोबोरिक एसिड करना है, ना बोरक्स करना है। एवरीथिंग इज रिलेटेड एज शेयर इन द ग्रुप, उसके हिसाब से आपने करना है। सिर्फ आपने ये याद रखना है बेटे ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर, कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड का जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है। जब हम मेटल्स की भी बात करते हैं ना बेटे, वो होते हैं टिपिकली मेटल्स, है ना। तुम कहते हैं डाउन द ग्रुप जो है बेसिक रिएक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि OH आसानी से बाहर निकल जाएगा। जब ये OH को होल्ड करके रखेगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो इस हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव बाहर निकलना पड़ेगा, OH नेगेटिव की तरह नहीं निकल पाएगी। तो ये एसिडिक की फॉर्म में बिहेव करती है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाती है, एम्फोटेरिक, और ये क्या हो जाती है आपकी एसिडिक इन नेचर, सॉरी बेसिक इन नेचर टिपिकली। तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे और द पॉइंट, यस बेटे, बस नाउ कम टू नॉर्मल बिहेवियर देन दिस ग्रुप विल बी फिनिश, यस। तो आपने नॉर्मलीज याद रखनी है, जहां पे अनॉर्मस बिहेवियर वहां पे आपके लिए क्वेश्चन। एक तो हमने लुईस एसिड में आप अनॉर्मस बिहेवियर किया, एक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में किया क्योंकि नॉट पेयर इफेक्ट है,
एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी करते हैं गैलियम की पॉइंट में, क्योंकि वहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप पी ब्लॉक से बेटे करने की कोशिश करना, क्योंकि जो आपकी रेफरेंसेज हैं उसमें आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना बहुत ज्यादा रिलेटेड है उसमें से। ठीक है, अब आजो की जो बोरोन है बाकी सारी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। अब ये डिफर क्यों करता है आप मुझे बताओ, हरी भरी हम रिपीट कर चुके हैं ये चीजें। यस टेल मी, हर फर्स्ट मेंबर क्यों डिफर करता है? हरी अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको रटा होना चाहिए। यस, क्या इनमें खासियत होती है? स्मॉल साइज, यस वेरी नाइस, और हाँ देयर इज नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, यस वेरी नाइस, बिल्कुल सही। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप से ज्यादा होती है, इनकी आयोनाइजेशन इनथैल्पी पूरे ग्रुप से ज्यादा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनका साइज छोटा है और इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अब डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट जैसे पी ब्लॉक स्टार्ट होगा यहाँ पे बेटे डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट वर्क करेगा ही करेगा। हाँ ये डी ऑर्बिटल के कारण ही बेटे इनमें कोवलेंट करैक्टर आ जाता है, क्योंकि कोवलेंट करैक्टर का कारण क्या बनता है? आयोनाइजेशन इनथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इनमें कोवलेंट करैक्टर आएगा। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज की इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इनका एटॉमिक साइज छोटा है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन इनथैल्पी ज्यादा है, इसके कारण सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी किया कि ये एक नॉन मेटल है, बाकी क्या है मेटल्स, इसकी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या थी अभी हमने किया, एसिडिक इन नेचर, और बाकी सारी क्या थी बेटे, बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो इसका वही कंपैक्टली पैक हो जाएगा, इसलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। और ये किस तरह की, अभी समृद्धि ने लिखा मैम दिस इज अ कोवलेंट वन, यस दिस इज अ कोवलेंट वन, बाकी सारे हैं वो आयनिक और कोवलेंट दोनों होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बेटे, कोवलेंट, एंड रेस्ट क्या हो जाएंगे, आयनिक एंड कोवलेंट बोथ, दिस इज ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी? अभी हमने हैलाइड स्टडी करी, हैलाइड में क्या स्टडी करी कि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मगर एल्युमिनियम क्लोराइड को हमने डाइमर बनाया, ये डाइमर की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, अगेन क्योंकि इसका साइज छोटा है, बाकियों का साइज उसका साइज बड़ा है, तो वो 6 क्लोरीन एटम्स को अकोमोडेट कर लेती है। ठीक है, इसलिए ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो बेटे बोरोन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, बोरिक एसिड बन जाता है इससे जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो। अगर आपको याद हो एनोडाइजिंग एक चीज करते थे आप क्लास 10th में, जिसमें आप एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की एक पैसिव लेयर बनाते थे, जो अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा जाए तो ये एक पैसिव लेयर बन जाती है, मगर जब यही बोरोन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो आपको बोरिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, बोरोन प्लस नाइट्रिक एसिड आपको पता है जब आपको बर्न्स होते हैं ड्यू टू बेस जब बर्न्स होते हैं तो आपको बोरिक एसिड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जब भी लैब में आपको एसिड गिर जाए स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं HCl सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने लैब में घूमना है और हमने NaOH ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढना है,
क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण हाई एनर्जी हाई इंथैल्पी रिलीज होती है। तो हम वीक बेस लगाने की कोशिश करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कि वो एसिड न्यूट्रलाइज भी हो जाए और उसका इफेक्ट भी लेसन हो जाए, आपको जलन भी ना हो। ठीक है, पानी भी नहीं डालना होता, क्योंकि जब आप वाटर डालते हो तो आपको पता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड लीड्स टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तब आपकी ज्यादा जलता है, पूरी स्किन के ऊपर वो ट्रेवल करता है। जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस गिर जाए जैसे NaOH, तब हम वीक एसिड लेते हैं जैसे कि बोरिक एसिड, तो अगेन वो न्यूट्रलाइज करेगा मगर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी रिलीज नहीं होगी। सो गॉट द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अच्छा आगे आते हैं बेटे डायगोनल रिलेशनशिप। अगेन वही, आपने डायगोनल रिलेशनशिप का आपने अपॉइंट्स करने हैं। मैंने आपसे कल सुनने हैं कि आपने नेक्स्ट मेंबर बोरोन और करवाना है ना, वेट। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर बोरोन और नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर सिलिकॉन में कैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, दिस यू विल टेल मी टुमारो। ठीक है, वही चीजें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यू विल टेल एंड विल स्टार्ट विद द कार्बन फैमिली। एनी डाउट फ्रॉम दिस फैमिली, रेस्ट ऑफ द सेबल्स हैज बीन डिडक्टेड, यू आर लकी वन। इस बार हम